हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, इस वक्त हम खड़े हैं पिपरिया के छोटे से प्लेग्राउंड में, और ये आरएन स्कूल का प्लेग्राउंड है। यहाँ शाम को बच्चे खेलने आते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल, और भी रनिंग वनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। और ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, और इसी ग्राउंड से लगकर ये सामने जो बिल्डिंग दिख रहे हैं, ये पीजी कॉलेज, भगत सिंह कॉलेज की बिल्डिंग है। यहाँ कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, और ये स्कूल रहा आरएन स्कूल। ये माध्यमिक स्कूल है, प्राथमिक स्कूल भी है, और यहाँ पर कुछ हॉस्टल भी बने हुए हैं। ये मेरा दोस्त यश, और ये उसने न्यू इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी ली है। तो यश भाई, आपने ये कितने की ली है? 65। चलो बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और यहाँ ग्राउंड पर लाइट भी लगे हैं। तो यहाँ पर गाइस बच्चे खेलने के लिए आते रहते हैं पिपरिया के, तो बहुत ही अच्छा लगता है शाम को ग्राउंड में आने पर। तो गाइस, अब हम निकल रहे हैं शनि मंदिर, क्योंकि आज शनिवार का दिन है। तो आज हमने प्लानिंग की तो कि आज हम शनि मंदिर को जाएंगे। तो अब हम जस्ट अभी थोड़ी देर बाद ग्राउंड से निकलेंगे शनि मंदिर। तो चलते हैं गाइस शनि मंदिर। तो गाइस, हम निकल रहे हैं अब शनि मंदिर, क्योंकि आज दिन शनिवार है। तो हमने प्लानिंग की कि जब शनि मंदिर हो रहा है, क्योंकि पास में ही है शनि मंदिर। चलते हैं गाइस शनि मंदिर की। गाइस, आपने ग्राउंड देख लिया किस तरीके का ग्राउंड है। अब हम निकलते हैं शनि मंदिर। ये आरएन स्कूल है, ये सामने से ऐसा दिखता है कुछ। तो ये मेन गेट है आरएन स्कूल का, और अब हम आ गए हैं मेन रोड पर। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं बस स्टैंड, और पास में ये मंदिर आने वाला है। फाइनली गाइस, हम लोग मंदिर में एंटर हो गए हैं, और ये हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है मंदिर के बाजू में। तो गाइस, हम आ गए हैं शनि देव मंदिर, और यही मंदिर है गाइस। तो गाइस, बैकग्राउंड में बैंड बाजों का इतना साउंड आ रहा है कि मैं कुछ भी देख पा रहा हूँ। तो गाइस, हल्के फुल्के बरसात बूंदा बांदी होने लगी है। तो गाइस, हम लोगों के हो गए दर्शन, अब चलते हैं हम घर की ओर। तो ये मंदिर था शनिदेव मंदिर, और हम निकलते हैं घर की ओर। तो गाइस, हल्की फुल्की बूंदा बांदी होने लगी है, हमको जल्दी घर निकलना पड़ेगा। ओ भाई, ये तो बहुत तेज बरसात होने लगी है। यस, चलो चलते हैं, अब जल्दी निकलते हैं यहाँ से, निकलना पड़ेगा, क्योंकि भाई हल्की फुल्की नहीं, बहुत तेज बरसात होने लगी अब तो। तो भाई यस, अब तो मैं सोच रहा हूँ कहीं रुक जाते हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज होने लगी गाइस। तो हाँ, कहीं भी चल रहे भाई, चल वो दुकान चल, दुकान चलते हैं। तो गाइस, बरसात हो गई है, हमको कहीं रुकना पड़ेगा, हवा भी चलने लगी है। देखिए गाइस, और बहुत तेज बरसात होने लगी है, काफ़ी हद तक हम लोग भीग गए। बरसात सही हो गई भाई, बहुत तेज हवा भी चलने लगी,
शादी बहुत तेज होने लगी, तो अब तो रोकना ही पड़ेगा। तो गाइस ये देखिए कि कितनी तेज बरसात होने लगी है, वो भी अचानक ही। और हम लोग मंदिर से लौटे थे और हमको रुकना पड़ा एक दुकान पर, क्योंकि बरसात इतनी तेज होने लगी। रोड पर देखिए गाइस, कोई दिख ही नहीं रहा। तो अब तो गाइस बहुत तेजी होने लगी है बरसात, और स्पीड बढ़ते ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो देखते हैं कब तक इंतजार करते हैं, कब तक बंद होने का नाम लेते हैं। ये तो बिन मौसम बरसात हो गई गाइस, ये ठंड के मौसम में बरसात। तो गाइस अभी थोड़ी सी बरसात बंद हुई है और हम अब निकल रहे हैं घर की ओर। और ये देखिए गाइस कि ये भाई स्कूटी साफ कर रहे हैं। तो गाइस बरसात रुक गई है, अब हम निकल रहे हैं घर की ओर। तो फाइनली गाइस हम लोग घर पर आ गए हैं, बरसात होने के कारण थोड़ा भींग भी गए थे, और अभी फ़िलहाल हम घर पर आ गए हैं। और मंदिर में गाइस बैंड बाजों की आवाज़ के कारण मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया, ऑलरेडी बैकग्राउंड से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी और ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाया, क्योंकि बैंड बाजों की आवाज़ से मैं कुछ ही बोल रहा था तो कैमरे में बैंड बाजे की आवाज़ ज़्यादा कैप्चर हो रही थी। तो आज के लिए गाइस इतना ही, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में।